चाहने वाले हैं एल्विश को, जो उनके फैंस हैं, वो समझ सके कि अभी के जो हालात हैं वो किस तरह के हालात हैं। क्योंकि देखिए इमोशंस अपनी जगह हैं, लेकिन जो लीगल पहलूज हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम तमाम तरह की एक्सपर्ट्स को लगातार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दया साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। जी एक बार थोड़ा समझना चाहेंगे कि जो ये पूरा मामला चल रहा है, हर आदमी समझ रहा है कि किस तरह का ये पूरा केस है, एक वकील के नाते आप इस पूरे केस को किस तरह से देखते हैं और साधारण भाषा में समझे जो आम आदमी भी समझ सके कि कितना गंभीर है, कुछ राहत मिल सकती है नहीं मिल सकती है, भविष्य में क्या दिक्कतें आएंगी और क्या राहत होगी? देखिए जहां तक राहत की बात है वो तो इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होगी और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने फाइल होगी तो उसके बारे में तो हम कि उसकी ग्रेविटी ऑफेंस की क्या है और कौन कौन से सेक्शन उसमें अट्रैक्ट होते हैं। इनिशियली क्या होता है कि पुलिस जब किसी प्रेमा फिसाई जो चीज़ लगती है या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो प्रेमा फिसाई ये देखती है कि आपका केस क्या बनता है, वो सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसका खुलासा होता है। और इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी। अभी थोड़ा सा ये कहना जल्दबाजी है कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है, क्योंकि ऑफेंस जो है इसमें तीन तरह से डिवाइड किए गए हैं। एक आपकी जो है स्मॉल क्वांटिटी होती है, एक जो मीडियम क्वांटिटी होती है और एक होती है लार्ज क्वांटिटी। तो जहाँ तक स्मॉल क्वांटिटी है उसमें ऑफेंसेस थोड़े से हल्के होते हैं और उसमें सजा का जो प्रोविज़न है वो भी कम होता है। तो अभी मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितनी क्वांटिटी पुलिस ने अभी उनसे दिखाई है और कितनी क्वांटिटी वो बरामदगी है उससे, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा और मेरे पास क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो लेकिन अगर वो कोई क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी है तो इस केस में जल्दी राहत मिलने की संभावना बनती है। और उसके बाद अगर कोई इसके साथ साथ कुछ एडिशनल ऑफेंसेस भी हैं जिसमें आपका कॉन्स्पिरेसी है या अबेटमेंट है, तो वो ग्रेविटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने किसी आदमी को कितना उकसाया है किसी ऑफेंस को करने के लिए। अगर उसमें ये प्रूव होता है कि आपने किसी को बिजनेस करने के लिए या इलीगल ट्रेड करने के लिए किसी को अबेट किया है या किसी को कोई मादक पदार्थ जो नशा है वो लेने के लिए कितना उकसाया है, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसके बाद ही ये क्लियर हो पाता है कि आपका इसकी ग्रेविटी और इसमें राहत मिलने के क्या क्या चांसेज रहते हैं।